इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को कहीं से भी विराम लगता नहीं दिखाई दे रहा। लगातार युद्ध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की चिंता भी बढ़ती जा रही है, चिंता वहां मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने की। इसराइल से भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। इस निकासी ऑपरेशन के तहत इसराइल से भारतीयों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंच गया है। 235 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा है। नागरिकों के स्वागत के लिए विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। भारतीय नागरिकों के दूसरे बैच में दो नवजात समेत 235 नागरिक शामिल रहे। इन्हें शुक्रवार यानी कि 13 अक्टूबर को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे इसराइल से विमान ने उड़ान भरी। इससे एक दिन पहले ही 212 भारतीयों को विशेष विमान के जरिए भारत लाया गया। भारत ने गुरुवार को ऑपरेशन अजय का ऐलान किया। इसका मकसद इसराइल में रहने वाले भारतीयों की सकुशल वापसी है। इस ऑपरेशन के जरिए सिर्फ उन्हीं लोगों को इसराइल से लाया जा रहा है जो वहां से आने को इच्छुक हैं। इसराइल में मौजूद भारतीय दूतावास ने बताया है कि शनिवार यानी कि 14 अक्टूबर को भी भारतीय नागरिकों की निकासी प्रक्रिया जारी रहने वाली है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दूतावास ने आज विशेष उड़ान के लिए रजिस्टर्ड भारतीय नागरिकों को अगले बैच को ईमेल कर दिया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य रजिस्टर्ड लोगों को संदेश भेजा गया है। यात्रियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए यात्रियों को दूतावास के डेटाबेस में अपनी जानकारी फीड करानी होती है। इसराइल में रहने वाले भारतीयों की तादाद 18,000 है। इनमें से ज्यादातर छात्र, आईटी प्रोफेशनल, हीरा व्यापारी शामिल हैं। भारत लौट रहे लोगों को वापस लाने का खर्चा खुद सरकार उठा रही है। भारतीय नागरिकों की स्वदेशी वापसी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से इसराइल पर हमला बोल दिया। इसराइल के ऊपर न सिर्फ मिसाइलों से हमला किया गया बल्कि जमीनी घुसपैठ भी की गई। इसराइल और हमास के बीच पहले एक हफ्ते से युद्ध चल रहा है।